गाइस वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लेस प्लैनेटोरियम और ये है त्रिमूर्ति मार्ग। सो मैं मेट्रो में थोड़ा ट्रैवल करूँगा और आज का वेदर क्या ही बोलूँ, बहुत गर्मी है। बट क्या मैंने सुना है उस जगह के बारे में काफ़ी, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैंने रिक्शा कर लिया, मैं रिक्शे के थ्रू आगे ट्रैवल करूँगा। इधर से 30-30 रुपये सवारी जाती है नेहरू प्लैनेटोरियम के लिए। चलो दोस्तों चलते हैं अंदर। ये है इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। डिटेल्स इधर दी हुई है, नॉर्मल रेट्स है। सब में छोटे बच्चों की इधर ना 70 रुपीज़ की टिकट है और ये एडल्ट की है 200 रुपीज़ की। अब देखते हैं कि ये वर्थ इट होता है नहीं होता। ये है अपना नेहरू प्लैनेटोरियम। डिस्क्राइब करा हुआ हिंदी में भी है और इंग्लिश में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उधर आपके आप कर सकते हैं। लाइट पाती ना रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। बेसिकली सारा ना प्लैनेट्स को अच्छे से बनाया हुआ है, लाइक स्टार्स, लाइक रियली लाइक। ओहो नेहरू जी का बनाया हुआ है, पूरा वो अच्छे से मतलब स्पीच सब दिखाया। ये देख लो ये बनाया मैंने, और ये म्यूजियम और यू कैन से मेमोरियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। बेसिकली द थिंग इज हमने जो ये पैसे दिए ना ये स्काई शो पे ही दिए हैं। अच्छा काफी देख रहे ऊपर का, इट्स लाइक अ बॉल स्ट्रक्चर बेसिकली, ये ना स्फीयर की फॉर्म में है और इसके थ्रू ये शो स्टार्ट होगा। और इधर ये प्रोजेक्टर है और बस कुछ ही देर में स्टार्ट होगा।
Earth is one of them. All these are part of our solar system. We hope that you will try to take some time out and look up at the sky and try to figure out some of the lovely constellations that you have recognized today. Thank you. असल में क्या है कि 200 रुपये वाला मैं इसको शो को कहूँगा नहीं, बट ठीक ठाक है, वन टाइम है, एक बार तो ज़रूर आना। ये देखो, ये इसके साथ अटैच पार्क है इसी म्यूज़ियम के साथ, और ये बाहर से बिल्डिंग का व्यू है। देखो साथ में इसके बुक शेल्फ भी अटैच है, अंदर जाने के लिए लाउड है। देखते हैं, अंदर म्यूजियम बनाया हुआ है आई गेस, अंदर जाके देखते हैं कैसा बनाया हुआ है। और गार्डन बहुत अच्छे है। ये है रिटर्न योर ऑडियो गाइड हियर, पता नहीं भाई क्या है, म्यूजियम एंट्रेंस। सो चलिए, ये असल में साउंड एंड लाइट शो है बेसिकली। आज ना ये बंद है, पता नहीं किस रीज़न से बंद है, बट इधर पता करा था मैंने, एंट्री फीस ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ की है। आप बाहर से व्यू देख लो, इसका बाहर का व्यू है ये। काफ़ी मतलब टाइप रोबोटिक टाइप सा बनाया हुआ है। इधर के लोकल्स ने बताया काफी अच्छी जगह है। इधर कोई एंट्री फीस नहीं है, इधर कोई एंट्री फीस नहीं है, और ये इसका गाइड मैप है। अभी मैं खड़ा हूँ रिसेप्शन पे, सो मेरे को सही जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना,
इधर नेम रिटर्न्स है काफ़ी, सो इधर ना मेरे हिसाब से शहीदों के नाम हो सकते हैं, मैं इसका कंफर्म नहीं कह सकता। पूरा लोकेशन मतलब ऐसे ही बनाया हुआ है, हमारे ऑफिसर्स हैं अलग अलग रैंक के, इधर सारे स्पॉटेड करे हुए और उनकी मेमोरियल एकदम रियलिस्टिक भी है एकदम ना। और ये हमारे मिलिट्री सर, और ख़ास बात पता है क्या है इधर ना, ख़ास बात क्या है इधर, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है रिकॉर्डिंग की, मतलब इधर पूरा वो दिखाया हुआ है कि मतलब जैसे जो पुलिस वाले होते हैं, मतलब जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, वो मतलब कैसे वो देते हैं, जैसे ये देखो ये कार्स के ऊपर सराउंड करके और साइडों में से मतलब ऐसे चेकिंग, और डॉग स्पॉटेड देखो, और साथ में मतलब प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, ये सारे मतलब ट्रेनिंग्स वेनिंग्स सब दिखाया हुआ है इधर। और ये हमारे ब्लैक कैट कमांडो, ये देखो RAF, मेरे को तो स्टार्टिंग में लगा कि मतलब सारे ऑफिसर्स खड़े हैं उनके जैसे कैप्स फोटोज और मेडल्स, और हमारा फ्लैग ये देखो भाई, ये ले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैटल ऑफ सरदार पोस्ट, हेलो सर जी कैसे हैं आप, यस सर गुड नाइट, अरे भाई कोलकाता पुलिस, इधर स्क्रीनिंग बनाई हुई है मतलब अलग अलग स्टेट्स की पुलिस का वो बनाया हुआ है, जैसे लाइक राजस्थान पे क्लिक करता हूँ और राजस्थान की तो वीडियो स्टार्ट होगी,
अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों का जीवन बचाने को दृढ़ संकल्प, ये है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF। भयानक से भयानक आपदा में देवदूत की तरह आने वाली ये प्रशिक्षित और जांबाज जवानों की फौज है। आपदाओं के समय तुरंत राहत और बचाव करने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा पेशेवर बल है। इस श्रेष्ठ बल का गठन 2006 में किया गया। शुरुआत में इस बल की 8 वाहिनियां थी। इनके 9192 जवानों को BSF, CISF, CRPF और ITBP से लिया गया था। आज संपूर्ण भारत में NDRF की 16 बटालियनों के साथ 18,000 से अधिक जवान 2400 घंटे सतर्क पूरे भारत में तैनात हैं। जो भी इधर बना हुआ है ना उसकी हर चीज़ के बारे में ना अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, मतलब हर चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है, मतलब फोर्सेस के बारे में। और ये बुक सेक्शन एरिया ज़रा बुक्स पढ़ सकते हैं और बैठ के आराम से। साइड में से लग रहा ना भाई हम खड़े हैं इधर। इंडियन आर्मी से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है यार। इधर की पुलिस जितनी भी सर्विस है इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट्स नॉट इजी टू टैकल बेसिकली एन इंडियन प्लेयर। यार ये देखो केदारनाथ में जब हुई थी बाढ़, उधर कैसे मतलब रेस्क्यू करा गया था सबको, पूरा अच्छे से इधर डिस्क्राइब है। एक चीज़ बताई गई है, अब ये तो है नहीं कि हम में ऐसे कोई गया था, कौन गया था, पुलिस वाले गए थे, आर्मी वाले गए थे, इतनी भी सर्विस है। असल में क्या है कि एक कहावत है, पॉट कॉलिंग दी कैटल ब्लैक बेसिकली। इस कहावत का मतलब आप खुद ही ढूंढना, ये इधर सही फिट बैठती है। अरे सर कांच साइड जा रहा है, इधर की साइड। अरे सर नो एंट्री लिखा है इधर। अरे सर नो एंट्री है, नहीं जा सकते। और ये स्मारक है इधर का, मुझे पता नहीं है स्मारक क्या होता है, बट देख लो यार इधर आराम से देख सकते हो क्या मस्त व्यू है यार। इधर बैठ सकते हैं आराम से, काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ मंजू घाटी ना, इधर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, रिक्शे के थ्रू जा रहा हूँ जैसा आप देख सकते हैं। Thank you.
मेन मार्केट है, मुझे लेके के लिए इधर आपको ना सारे तिब्बतन मिलेंगे लोग। इधर मैंने रेस्टोरेंट से ऑर्डर करा है, वेजिटेरियन विद नूडल्स है दोस्तों। काफ़ी महंगी मार्केट है मछलियों का डिनर, मतलब नॉर्मल चीज़ भी अगर हमारे इलाकों में अगर 50-60 की मिलती है ना, तो 200-250 से भी ज़्यादा की मिलेगी। इधर मोस्टली आपको ना चाइनीज़ फूड ही मिलेगा, देख सकते हैं मार्केट एरिया। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।